बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम सब भी अच्छे हैं। और आप सब के लिए भी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला आप सबको भी हमेशा खुश रखें। आमीन सुम्मा आमीन। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। और सब्सक्राइब कर दिया है तो लाइक शेयर करना मत भूलिए। वीडियो पूरा देखने के लिए पहले लाइक और शेयर कर दीजिए, थैंक यू। तो फाइनली आज हम जो रेसिपी लेके आए हैं वो कोई रेसिपी नहीं है, वो है टमाटर की मीठी चटनी। टमाटर की मीठी चटनी मतलब कि आप इसे सालों साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ गुड़ और टमाटर चाहिए और कुछ बेसिक चीज़ें जैसे कि लहसुन, प्याज और हरी मिर्च। आप इनमें से कोई चीज़ अगर आपको पसंद नहीं है, जैसे प्याज लहसुन आप नहीं खाते हैं या नहीं ज़रूरत है, तो आप स्किप कर सकते हैं। बट अगर टेस्टी और टमाटर सॉस का सेम फ्लेवर चाहिए, खट्टा मीठा, तो आपको उसमें मिर्ची, लहसुन और प्याज ऐड करना कंपलसरी है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने फाइनली ले लिया है टमाटर। टमाटर को मैंने अच्छी तरीके से धुल लिया है। मैंने पहले भी रेसिपी में बताया था कि टमाटर लेने में आप वो 10 या 20 रुपए किलो वाले सड़े गले टमाटर को बिल्कुल यूज मत कीजिएगा, एकदम फ्रेश और फाइन बड़े साइज के टमाटर को यूज कीजिएगा, क्योंकि इसमें छिलका और बीज दोनों कम होते हैं। और ये बिल्कुल मतलब फ्रेश रहने की वजह से ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। वो जो छोटे छोटे टमाटर होते हैं उसमें भी छिलके बहुत ज़्यादा होती हैं और कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा बहुत सड़ा गला रहता है, तो उसके फफूंद क्या है वो आपकी चटनी को काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहने में प्रिपेयर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको चटनी को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रखना है तो आपको इस तरीके से फ्रेश और मतलब एकदम फ्रेश टमाटर लेने पड़ेंगे, जो बिल्कुल दाग धब्बों से फ्री हो। तो यहाँ पे जो बड़े साइज़ के टमाटर हैं मैंने उनको अच्छी तरीके से धुलकर उसका पानी सूखा लिया, मतलब पानी को सूखने दे दिया था। उसके बाद फिर मैंने इसको यूज किया। तो यहाँ पे मैं टमाटर को कट कर लूँगी और उसका जो मतलब ऊपर वाला हिस्सा होता है, जड़ वाला हिस्सा, उसको मैं यहाँ पे हटा दूँगी। और फाइनली मेरा टमाटर हो गया है कट के रेडी और ये मेरी डलिया खाली हो गई। तो यहाँ पे जो टमाटर का जो एक्स्ट्रा वाला भाग होता है जिसे हम यूज़ नहीं करते हैं, उसे मैंने कट करके निकाल दिया है और फ्रेश टमाटर को मैंने यहाँ पे ले लिया है। फ्रेश टमाटर को लेने के बाद आपको करना कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल और आसान सी रेसिपी है। अगर आप बनाना चाहें तो ये एक आध घंटे का ही मैटर है, एक आध घंटे में आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर बेसिक चीज़ें ली हैं जैसे प्याज, लहसुन और हरी मिर्च। पहले भी मैंने बताया कि प्याज, लहसुन, हरी मिर्च लेने के बाद इसे कढ़ाई में अच्छे तरीके से डाल दीजिए, ऊपर से प्याज, लहसुन, हरी मिर्च डाल दीजिए। इसके अलावा कुछ भी इसमें ऐड करना है नहीं। और अब इसे चढ़ा दीजिए गैस के ऊपर। मैं हीटर या इंडक्शन का यूज़ ज़्यादा करती हूँ क्योंकि मेरा गैस बच जाए। आप अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने कंफर्टेबल के हिसाब से आप देख लीजिएगा कि आपको किस में ज़्यादा बेनिफिट लगता है इसे बनाने में। तो यहाँ पे जो मैंने प्याज, लहसुन, हरी मिर्च लिया है, इसकी जगह आप अदरक वगैरह भी डाल सकती हैं, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बट मुझे इन्हीं सब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत थी इसलिए मैंने यही सब लिया। बाकी आपको अगर लहसुन प्याज खाते नहीं हैं या लहसुन प्याज पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। फाइनली मैंने इसे चढ़ा दिया था गलने के लिए। गलने के बाद इसका जो लुक था वो कैसा था देख लीजिए। गलाना है आपको, अच्छी तरीके से गलाना है। इसका जो पानी वगैरह, एक्स्ट्रा मॉइस्चर वगैरह सबको आपको अच्छी तरीके से सुखाना है, क्योंकि इसे हमें मिक्सर ग्राइंडर में पीसना है। तो इस तरीके से आप इसको चला चला के अच्छी तरीके से इसका पानी जो है उसको सुखा लीजिएगा, अच्छे से गला लीजिएगा या पका लीजिएगा जिसे कहा जा सकता है। गलने और पकने के बाद इसका जो थिकनेस है वो कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। थिकनेस अच्छे से मैंने इसे गला लिया, अच्छे से पका लिया। मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया। जो अपना पानी था टमाटर का उसी पानी में ये पककर रेडी हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, मिक्सी ग्राइंडर में इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। मिक्सी ग्राइंडर में ट्रांसफ़र करने के बाद इसे हम अच्छे तरीके से फाइन पीस लेंगे। पीसने का कारण ये है कि हम ऐसे भी छान सकते हैं, बट बहुत सारा चीज़ें हैं जो इसमें से वेस्ट हो जाएंगी, इसलिए मैं छानने के बजाय ऐसे पहले डायरेक्ट पीस लेते हैं। मिक्सी ग्राइंडर में पीसने के बाद हम इसे छानने का काम करेंगे। पीसने के बाद छानने से क्या है कि जो इसका एक्स्ट्रा मटेरियल है, जो दरदरा और मोटा वाला हिस्सा है, वो थोड़ा कम निकलेगा। और डायरेक्ट अगर मैं इसे भी चलनी में छानूंगी तो बहुत ज़्यादा इसका वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं पहले इसे मिक्सी ग्राइंडर में पीस लेती हूँ। मिक्सी ग्राइंडर में पीसने के बाद इस तरीके से अगर आपके पास छन्नी नहीं है तो आप आटा चलने वाली छलनी भी ले सकते हैं, या फिर जालीदार कोई दुपट्टा, उसमें भी आप इस तरीके से इसको छान सकते हैं। अब इसका जो स्मूथ सा पेस्ट बन के रेडी हो गया है और अब इसको हम छलनी में छान लेते हैं। छलनी में छानने के बाद थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी आपको, थोड़ा सा बर्तन आपका बहुत ज़्यादा फैलने वाला है जिसको धुलने में आपको प्रॉब्लम होने वाली है, बट कोई नहीं, ये चटनी एक बार बन के अगर रेडी हो गई तो सालों साल आप इसे ईजिली यूज कर सकते हैं। बच्चे तो इस मीठी चटनी को बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं, मार्केट की केमिकल और कलरफुल जो टमाटर सॉस है उससे तो ये बेस्ट बन के रेडी होने वाला है, क्योंकि आप इसमें कोई भी केमिकल वगैरह का यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ का यूज़ नहीं कर रहे जो आपके बच्चों के हेल्थ के लिए अच्छी ना हो। तो बच्चे क्या, बड़े, सबके लिए हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए कढ़ाई से मैंने पूरी जो
टमाटर की चटनी थी उसे निकाल के अच्छी तरीके पीस के फिर उसी टमाटर उसी कढ़ाई में फिर से मैंने इसे पलटी कर दिया है। आप दूसरी कढ़ाई भी ले सकते हैं बट मुझे बर्तन फैलाने का आदत नहीं है इसलिए कोशिश करती मेरे कम बर्तन में ही ज़्यादा चीज़ें बन के रेडी हो जाएँ। तो फाइनली मैंने यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें लिए हैं, थोड़ा सा फूड कलर लिया है, नमक लिया है, काला नमक लिया है और फूड कलर लिया है, बस इन तीन चीज़ों को मिला के मैं इसे अच्छी तरीके से मिला लूँगी। फूड कलर लेने का कारण ये था कि थोड़ा सा टमाटर का जो कलर है वो रेड नहीं हो पाता है तो उसकी वजह से मैंने थोड़ा सा फूड कलर लिया और यहाँ पर ले लिया गुड़। अगर आपको फूड कलर नहीं लेना है तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इशू वाली बात नहीं है इसमें। और यहाँ पर मैंने ले लिया गुड़, गुड़ मतलब वही 2-2.5 पीस मैंने गुड़ लिया था, ज़्यादा गुड़ नहीं लिया है मैंने क्योंकि ऑलरेडी टमाटर की चटनी मीठी ही होती है। आजकल जो चलाने वाला टमाटर आ रहा है कोई खास खट्टा होता नहीं है तो नॉर्मली खट्टा होता है, तो आप इसमें 2-3 गुड़ का यूज कर सकते हैं। मेरा इतना गुड़ बच गया, मैंने 3 बड़े बड़े साइज़ के गुड़ लिए थे इसलिए मैंने 2-2.5 के हिसाब से गुड़ इसमें डाला और बाकी गुड़ को बचा दिया क्योंकि मुझे ज़्यादा लग रहे थे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ज़्यादा मीठी पसंद है बच्चों को मीठी चीज़ खिलानी, हाँ शक्कर बिल्कुल मत डालिएगा, शक्कर के अब मुकाबले गुड़ ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है बच्चों के लिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मेरा स्मूथ सा फाइन तैयार हो गया है, गुड़ डालने का जैसे कलर बहुत अच्छा हो गया। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी विनीगर, जो हमारा सिरका है वो इसे सालों साल चलने में हेल्प करेगा, इसको ख़राब होने में बचाएगा। तो आप सिरका जिसको बोलते हैं विनीगर उसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, सिरका या विनीगर का यूज़ बिल्कुल करिएगा इसमें ताकि आपका जो टमाटर सॉस है वो लॉन्ग टाइम तक चल सके और ख़राब ना हो। तो फाइनली मेरा यहाँ पर जो टमाटर सॉस है वो बन के रेडी हो गया है। अब इसे हम कर लेंगे ठंडा, ठंडा करने के बाद कुछ इस तरीके का स्मूथ सा टमाटर सॉस हमारा रेडी हो गया है। अगर आपको टमाटर सॉस चेक करना है कि आपका टमाटर सॉस परफेक्ट बना है तो आप इसे हल्का सा प्लेट में निकाल के और उसकी थिकनेस को देख सकते हैं, अगर उसकी थिकनेस मूव हो रही है तो वो अभी पका हुआ नहीं, अगर उसकी थिकनेस एक जगह पर टिकी हुई है तो वो ऑलरेडी पक के रेडी हो चुका है। तो मैंने ये जो टमाटर सॉस का जो बॉटल होता है उसे मैंने अच्छे तरीके से धुल के क्लीन कर लिया है और इसी बॉटल में मैं इस टमाटर सॉस को भर लूँगी ताकि मुझे रखने में और बच्चों को देने में इजी हो जाएगा। तो अब मैं इस तरीके से इसको स्टोर करके रख दूँगी, इस तरह से स्टोर करने में मुझे बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। इससे पहले भी मैंने जो टमाटर सॉस की खट्टी मीठी चटनी बनाई थी, टमाटर सॉस बनाया था तो उसे भी मैंने इसी तरीके के जार में पैक करके रख दिया था, सेम टमाटर सॉस के ही जार में। और मेरे पास कोई भी टमाटर सॉस का जार हो या किसी भी चीज़ का भी जो भी बॉटल या डब्बा होता है मैं उसको क्लीन करके रख लेती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम में यूज आ ही जाता है। तो आप फाइनली इसका लुक देख सकते हैं कि बिल्कुल टमाटर सॉस का लुक आया है, कलर में, टेस्ट में, हर चीज़ से। मैं टेस्ट करके आपको नहीं दिखा सकती वरना वो भी दिखा देती कि आप टेस्ट करके भी पता कर सकते हैं कि बिल्कुल टमाटर सॉस का फ्लेवर आ रहा है। तो फिलहाल तो यहाँ पर क्या है कि कढ़ाई को मैंने पूरी तरीके से क्लीन कर दिया है और जार में अच्छी तरीके से इसको फिल कर दिया है और बाकी चटनियों से भी मैं आपको रूबरू करवा देती हूँ ताकि आप पहचान सके कि टमाटर सॉस कौन है और इस तरीके की जार। फाइनली मेरा एक जार बनके टमाटर सॉस कंप्लीट हो चुका है और ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है क्योंकि वो केमिकल से अच्छा तो मैं अपने बच्चों को यही देती हूँ और बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं और उनके लिए लॉन्ग टाइम तक चल भी जाता है। उन्हें पराठे से, ब्रेड से, कोई भजिया वगैरह बना रही हूँ, पकौड़ी वगैरह बना रही हूँ, सैंडविच वगैरह बना रही हूँ तो बच्चों को देने में मुझे बहुत इजी हो जाता है। तो इससे पहले मैंने जो खट्टी मीठी चटनी बनाई थी आप लोगों को वीडियो बताया था, दिखाया भी था बनाते टाइम, तो ये वो वाली सीसी है जो मैंने इससे पहले बनाई थी। फाइनली इतना हम लोग खा के ख़त्म कर चुके हैं, इतनी सीसी बची हुई है और आज जो मैंने बनाया है वो भी आप लोग को दिखा दिया मैंने कि आज मैंने किस तरीके से बनाया है। और ये जो लास्ट में मैं सीसी लेके आई हूँ वो सीसी मेरी रेडीमेड खरीदी हुई टमाटर सॉस की चटनी है। तो ये रेडीमेड मैं रखती हूँ बहुत से ऐसे रेयर केस के लिए जैसे मुझे चाउमीन, पास्ता ये सब बनाना रहता है तो फाइनली मैं ख़रीदा हुआ ही डालती हूँ, उस टाइम पे मेरे पास बना हुआ नहीं था। और ये जो है इसे मैंने घर पे बनाया था खट्टा मीठा, इसमें मैंने मीठा का यूज़ नहीं किया था, मिर्ची और नमक का यूज़ किया था। तो इस वीडियो को भी आप मेरे चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं। और फाइनली जो मैंने आज बनाया है उसे तो आपने वीडियो को वॉच कर ही लिया है, तो आप इस तरीके से चटनी को बना के लॉन्ग टाइम के लिए अपने पास सेव करके रख सकते हैं क्योंकि अभी क्या है टमाटर बहुत सस्ता मिल रहा मार्केट में। और इस तरीके की चटनी अगर आप घर पे बनाते हैं तो बिल्कुल केमिकल से फ्री है और आपको कोई केमिकल, कोई कलर, कोई इस तरीके का कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं करना है जो आप अपने बच्चों को नहीं खिला सकते। तो ये जो चटनी है इसे हम खाते हैं क्योंकि ये मीठी नहीं है, तीखा है, तो इसे हम खाते हैं ब्रेड वगैरह से या भजिया वगैरह से। तो इसलिए इस तरीके का चटनी अगर आपके पास बना है तो आपका बहुत सा किचन का जो प्रोसेस है, कुकिंग प्रोसेस है, वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। और जो आज मैंने बनाया है वो बच्चों के हिसाब से बनाया है। तो थैंक यू आज फॉर माई वीडियो, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि आपने मेरी वीडियो देखी और
थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।